बढ़ाकर 2 करोड़ रुपया करेगी। भारत सरकार एक ट्रस्ट के माध्यम से बैंकों को ये गारंटी देती है कि आप छोटे व्यापारियों को लोन दीजिए, गारंटी हम लेते हैं। अब तक यह नियम था कि 1 करोड़ रुपए तक के लोन को कवर किया जाता था, अब 2 करोड़ रुपए तक का लोन क्रेडिट गारंटी से कवर होगा। एनबीएफसी यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी से दिया गया लोन भी इसमें कवर होगा। सरकार के इस फैसले से छोटे दुकानदार, छोटे उद्योगों को ज्यादा कर्ज मिलेगा, गारंटी का खर्च केंद्र सरकार द्वारा वहन करने के कारण इन पर ब्याज दर भी कम होगी। सरकार ने बैंकों को यह भी कहा है कि छोटे उद्योगों के लिए कैश क्रेडिट लिमिट को 20% से बढ़ाकर 25% करें। इसके अलावा डिजिटल माध्यम से हुए ट्रांजैक्शन पर वर्किंग कैपिटल लोन 20% से बढ़ाकर 30% तक करने को कहा गया है। नवंबर में इस सेक्टर से जुड़े बहुत से लोगों ने कैश डिपॉजिट किया है। बैंकों को कहा गया है कि वर्किंग कैपिटल तय करते वक्त इस बात का भी संज्ञान लिया जाए। कुछ दिन पहले ही सरकार ने छोटे कारोबारियों को टैक्स में बहुत बड़ी राहत देने का भी निश्चय किया था। जो कारोबारी साल में 2 करोड़ रुपए तक का व्यापार करते हैं उनके टैक्स की गणना 8% आय को मानकर की जाती थी। अब ऐसे व्यापारी के डिजिटल लेन देन पर टैक्स की गणना 6% आय मानकर के की जाएगी। इस तरह उनका टैक्स काफी कम हो जाएगा। दोस्तों, मुद्रा योजना की सफलता निश्चित तौर पर बहुत ही उत्साहवर्धक रही है। पिछले साल करीब करीब 3.5 करोड़ लोगों ने इसका फायदा उठाया है। दलित, आदिवासी, पिछड़ों एवं महिलाओं को प्राथमिकता देते हुए सरकार का इसे अब डबल करने का इरादा है।